अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम लोग नाइन्थ क्लास के फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट उसका सेकंड टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज ऐसी मिकदारें जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ मास टाइम इटीसी ये वो मिकदारें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। फर्स्ट वन इज क्वांटिटीज क्वांटिटीज एंड सेकंड इज यूनिट। यानी क्वांटिटीज और यूनिट का होना जरूरी है किसी भी फिजिकल मिकदार की कमाश के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं और उसको जाकर बोलते हैं कि हमें 5 चीनी चाहिए, अब जब हम उसको 5 शुगर का नाम बोलेंगे देन उसको पता नहीं चलेगा कि हमने उसको क्या चीज बोली है, कितनी डिमांड की है उसे शुगर की। जब हम उसको बोलेंगे कि हमें 5 kg शुगर चाहिए देन उसको पता चलेगा कि इसने मुझसे 5 kg जो शुगर है उसकी डिमांड की है। अगर हम लोग इसकी सेकंड एग्जांपल की बात करें कि हमारे पास एक स्टूडेंट है उसकी जो हाइट है वो 104 सेंटीमीटर या मीटर, जब तक हम इसके साथ सेंटीमीटर मीटर का यूनिट नहीं लगाएंगे देन तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि जो स्टूडेंट है इसकी हाइट 104 सेंटीमीटर है या मीटर है। जब हम इसके साथ कोई ना कोई यूनिट लगा देंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने सेंटीमीटर का यूनिट लगा दिया देन हमें पता चला कि जो हमारे पास स्टूडेंट था उसकी हाइट 104 सेंटीमीटर थी। स्टूडेंट्स हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज बेस क्वांटिटीज सेकंड इज ड्राइव क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज होती हैं ये वो क्वांटिटीज हैं वो मिकदारे हैं जिनकी बुनियाद पर हम दूसरी मिकदारों को अखज करते हैं, दूसरी मिकदारों को अखज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इट प्रोवाइड बेस ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, यानी ये जो बेस क्वांटिटीज हैं ये बुनियादें फराहम करती हैं दूसरी क्वांटिटीज को। हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं जो दूसरी क्वांटिटीज को बेस फराहम करती हैं। फर्स्ट वन इज लेंथ। किसी भी चीज की लेंथ फाइंड करने के लिए हम लेंथ क्वांटिटीज को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने किस चीज की लेंथ फाइंड करनी है तो हम स्टील रोल को इस्तेमाल करेंगे। स्टील रोल के ऊपर सेंटीमीटर और मीटर के निशान बने होते हैं जिनके जरिए हम किसी भी चीज की पैमाइश करते हैं। सेकंड हमारे पास है मैस। मैस के जरिए हम लोग किसी भी चीज की मिकदार फाइंड करते हैं कि यानी इसका वेट कितना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बैलेंस है, ये हमारे पास एक बैलेंस है, इसके एक साइड पे हमने 1 kg का वेट रखा हुआ है। अब इस ये हमारे पास जो कीमत है ये फिक्स है। अब इस बेस क्वांटिटी हमारे पास जो फिक्स वैल्यू है इसके जरिए हम लोग ड्राइव क्वांटिटीज की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब जो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है इसको हम बेस क्वांटिटीज बोलेंगे जो 1 kg है, और अब इसके जरिए जो हम सेकंड वैल्यू फाइंड करेंगे उसको हम ड्राइव्ड वैल्यू बोलेंगे, ड्राइव क्वांटिटीज बोलेंगे। थर्ड हमारे पास है टाइम। टाइम के जरिए हम ये चीज पता लगाते हैं, इस चीज का अंदाजा करते हैं कि हम लोग कितना फासला तय कर रहे हैं कितने टाइम के अंदर, यानी कितना फासला कवर कर रहे हैं हम एक खास वक्त के अंदर। फॉर एग्जांपल हमने अगर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो इस कितने टाइम के अंदर हमने ये फासला ट्रेवल किया है तो उसका अंदाजा हमें टाइम से होगा। फोर्थ हमारे पास है
टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर के जरिए हम किसी भी बॉडी की हॉटनेस और एंड कोल्डनेस का अंदाजा लगाएंगे कि यानी कोई भी बॉडी है तो वो कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। नेक्स्ट हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और सिक्स्थ जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रिक करंट। और जो सेवन है वो हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। स्टूडेंट, ये हमने सेवन फिजिकल क्वांटिटीज देखी, बेस क्वांटिटीज देखी जो दूसरी क्वांटिटीज को एक बुनियाद फराहम करती हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये सेवन बेस क्वांटिटीज हैं जिनकी बुनियाद पर हम दूसरी क्वांटिटीज को, ड्राइव क्वांटिटीज को अखज करते हैं। स्टूडेंट्स, ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो बेस क्वांटिटीज से अखज की जाती हैं, ड्राइव फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। अब बेस क्वांट सॉरी ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो बेस क्वांटिटीज से अखज की जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज से ड्राइव करते हैं, ड्राइव फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट हैं वो कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेस यूनिट। स्टूडेंट्स, बेस यूनिट वो यूनिट्स होते हैं जो बेस क्वांटिटीज की मैच के लिए इस्तेमाल होते हैं, मेजर फॉर बेस क्वांटिटीज। मेजर फॉर बेस क्वांटिटीज बेस यूनिट वो यूनिट्स होते हैं जो बेस क्वांटिटीज की मेजर के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनकी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब बेस क्वांटिटीज हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज वो कौन कौन सी हैं और उनके जो एस आई यूनिट है वो कौन कौन से है। फर्स्ट वन हमारे पास है लेंथ। इसका जो एस आई यूनिट है वो है एल। सेकंड हमारे पास है मैस। इसका जो एस आई यूनिट है वो है एम। थर्ड जो हमारे पास बेस क्वांटिटी है वो है टाइम। इसका एस आई यूनिट टी है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है टेम्परेचर। इसका एस आई जो यूनिट है वो है लार्ज टी। नेक्स्ट हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्टूडेंट्स, इसका जो एस आई यूनिट है वो है एन। नेक्स्ट हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका जो एस आई यूनिट है वो है एल। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सेकंड। उसका जो एस आई यूनिट है वो है एस, किलोग्राम। इसका एस आई यूनिट है केजी, ग्राम। इसका एस आई यूनिट है जी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट
स्टूडेंट्स ड्राइव यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो ड्राइव क्वांटिटीज की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ड्राइव यूनिट्स आर यूज टू मेजर ड्राइव क्वांटिटीज, यानी ड्राइव यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो ड्राइव क्वांटिटीज की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं हमारे पास ड्राइव यूनिट्स कौन कौन से हैं और उनके जो एसआई यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट है वो है वी। सेकेंड हमारे पास है फोर्स, इसका जो एसआई यूनिट है वो है एफ। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है वो है एक्सेलरेशन, जिसका एसआई यूनिट है ए। नेक्स्ट हमारे पास प्रेशर, जिसका एसआई यूनिट है पी। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्राइव क्वांटिटी है वो है डेंसिटी, इसका एसआई यूनिट है रॉ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर। थैंक यू सो मच।